मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं प्रियंका ब्लॉग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रही हूं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आइस क्यूब ट्रीटमेंट जो आपके एंटी एजिंग से लेकर एक्ने के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। आइस क्यूब के क्या बेनिफिट्स होते हैं फटाफट जान लेते हैं। आइस क्यूब का पहला बेनिफिट होता है वो आपके स्किन पे एज अ प्राइमर वर्क करता है। दैट मीन्स कि अगर आप मेकअप से पहले इसे जो है अपनी स्किन पे 5 to 7 मिनट्स रब कर लें तो आपका स्किन स्वेट कम करता है, स्मूथ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मेकअप जो इजिली जो है वो आप पुट ऑन कर सकते हैं। दूसरा, ये आपके पफी आइस को दूर करता है, ये आपके स्किन के इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करता है, आपके एंटी एजिंग को डिमिनिश करता है, आपके स्किन पे एक ग्लो ऐड करता है और साथ साथ आपके स्किन में हो रहे एक्निंग प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आज जो दो तरह के आइस क्यूब मैं लेकर आई हूं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ताकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज हम दो आइस क्यूब की ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो पहला ट्रीटमेंट है हमारा ग्रीन टी आइस क्यूब। तो चलिए जानते हैं कि ग्रीन टी आइस क्यूब आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये आइस क्यूब बनाने के लिए पहले हमें जो है ग्रीन टी प्रिपेयर करनी होगी। उसके लिए हमें चाहिए ग्रीन टी। मैंने ये लिप्टन का पाउच लिया है, आप चाहें तो लूज ऑर्गेनिक जो आती है वो भी ले सकते हैं। एक साफ बर्तन, चाहे पैन, चाहे कुछ भी जिसमें आप गर्म कर सकें और ग्रीन टी बना सकें। एंड ये देखिए बिल्कुल छोटी ग्लास है, इस ग्लास से एक ग्लास पानी ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और अब इसके बाद हम जो है इसे गैस पे रखेंगे। तो हमारा वाटर जो है वो गर्म हो गया, तो मैंने ग्रीन टी के पाउच को इस तरह से खोल के डाला है। अब हम इसे बॉईल करेंगे, थोड़ी देर तक सिमर होने देंगे इसको, जब तक इसका कलर आ जाए। ये देखिए हमारा जो टी है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। धीरे धीरे ये अपना कलर ले आएगा, बिल्कुल अच्छा कलर ले आना है हमें। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये हमारी टी जो है अच्छे से बॉईल हो रही है, टी का कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, कुछ कुछ पानी एवोपरेट भी हो गया है, देख सकते हैं डिक्रीज हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर ग्रीन टी जो है हमारी वो बन चुकी है, इसे बंद करेंगे और ठंडे होने देंगे थोड़ा। ग्रीन टी ठंडी हो गई है तो मैंने ये आइस ट्रे लिया है। अब इस आइस ट्रे में हम धीरे धीरे करके जो है अपना ग्रीन टी इसमें पोर करेंगे। मैं बिल्कुल भी छानती नहीं हूँ इसे, इसे बिल्कुल छानना नहीं है, इसके पत्तियों के साथ लेना है तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो आपके स्किन के लिए। आप देख रहे होंगे पत्तियाँ ऊपर आ गई हैं, तो आप ये थोड़े थोड़े सब में पोर कर दीजिए। मैंने अपने जो ग्रीन टी हैं वो इसमें पोर कर दिए हैं। आप देख सकते होंगे जो पत्तियां हैं वो नीचे बैठ गई हैं बिल्कुल। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे और इतना जो है आपका अनफ है वीक में 2 दिन के लिए। तो आराम से अगर आप 3 यूज़ कर लेते हो तब भी, अगर 2-2 यूज़ करते हो, आपका फेस छोटा है तो 3 दिन तो आराम से चल जाएगा। मतलब कि आपको वीक में 2 से 3 दिन ये कर लेना, अगर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा आपके स्किन पे। और जो फ़ायदे हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए इसे फटाफट फ्रीजर में डालते हैं। फ्रेंड्स हमारा आइस क्यूब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उसको मैं ऐसे कर रही हूँ तो बिल्कुल हार्ड हो गए हैं, बिल्कुल आसानी से निकल जा रहे हैं। ये देखिए जो पत्तियाँ नीचे बैठी हुई थी वो कैसे जम गई हैं नीचे और कितना खूबसूरत लग रहा है। दिस इज वॉट विच इज बेनिफिशियल फॉर योर स्किन। आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्पफुल होता है ये हमारे स्किन के लिए। तो आज के ट्रीटमेंट के लिए मुझे ये 3 आइस क्यूब्स ही लगेंगे, इतना ही एनफ है मेरे लिए। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि ग्रीन टी आइस क्यूब्स के क्या बेनिफिट्स हैं आपके स्किन पे और आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन टी आइस क्यूब आपके स्किन के लिए काफ़ी यूजफुल है, आपके स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाता है। ये आपके स्किन से स्कार्स को रिमूव करता है, आपके स्किन में हो रहे एक्निंग प्रॉब्लम को दूर करता है, डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है, साथ साथ आपके स्किन में हो रहे एजिंग को ये डिले करता है, आपके स्किन को क्लियर और एक हेल्दी ग्लो देता है, आपके आइस में हो रहे जो पफिनेस हैं अंडर आई पफिनेस जो होते हैं उसे ये जो है काम कर देता है, फेस स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को काम डाउन करता है, डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स को भी ये जो है रिड्यूस करता है, साथ साथ हमारे क्लॉक्ड पोर्स को अनक्लॉक करता है जिससे हमारा स्किन हेल्दी और ब्यूटीफुल दिखने लग जाता है।
और इस तरह से आपको आइस क्यूब की ट्रीटमेंट अपने पूरे चेहरे पे। मैंने आपको बताया था कि आज मैं दो तरह के आइस क्यूब के बारे में आपको बताने वाली हूँ और उसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगी। तो एक तो हमारा ग्रीन टी आइस क्यूब के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया। नेक्स्ट हमारा आता है राइस वाटर आइस क्यूब, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। राइस तो राइस वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं, पर आज जो यूजेस है, जो सबसे सिंपल रेमेडी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। राइस वाटर आइस क्यूब से प्रिपेयर करते हैं। मैंने देखिए इस तरह का चावल लिया है, छोटे दाने हैं, आप किसी भी तरह का चावल ले सकते हैं। ये मैं टू स्पून ही ले रही हूँ, इसमें टू स्पून ले रही हूँ मैं इसमें, और कुछ नहीं करना है मुझे, बस इसमें अब मैं वाटर ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। ये वाटर ऐड करने के बाद जो है मैं इसे ओवरनाइट सोक करूंगी और उसके बाद मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। तो चलिए इसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मैंने कल राइस वाटर रखे थे वो बिल्कुल सोक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और आप ये जो मिल्की वाटरी कलर देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो है वो मैजिक वाटर है जो हमें यूज करना है। ये चीज, ये जो मिल्की व्हाइटिश कलर का वाटर हमें मिला है, ये हमें यूज करना है। तो कुछ नहीं करना है, हम फिर से एक ट्रे लेंगे और उस ट्रे में मैं जो हूँ इस तरह से इसे पोर करते जा रही हूँ। दो दिन के लिए बिल्कुल आराम से रेडी हो जाता है ये, और उसके बाद अगर आपको लगे तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके संग मैं एक चीज ऐड करने वाली हूँ, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस वाटर में, फर्मेंट वाटर में, आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाबरी ऐड कर दें, दैट विल एड एन एक्स्ट्रा ग्लो एंड टोनिंग टू योर स्किन। तो चलिए इसमें गुलाबरी ऐड करते हैं। ये है मेरा डाबर गुलाबरी और मैं बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल दे रही हूँ। एक चीज बता दे रही हूँ फ्रेंड्स, रात भर चावल को पानी में रखने के बाद उसमें एक हल्की सी स्लाइट स्मेल आ जाती है, स्पेशली अगर समर ऐसा हो तो गुलाबरी अगर आप डाल देंगे तो वो स्मेल प्रॉब्लम भी अगर किसी को है तो वो नहीं होगी और वो आपके स्किन को बेनिफिट ही करेगा। तो चलिए इसे फटाफट जो है अब हम फ्रीजर में रखते हैं और उसके बाद जानेंगे कि जब आइस क्यूब प्रिपेयर हो जाता है तो इसे कैसे यूज करते हैं, क्या बेनिफिट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो राइस वाटर आइस क्यूब हैं रेडी हो गए, चलिए इसे फटाफट जो है हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये आराम से निकल जा रहे हैं, आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा राइस वाटर मिल्की वाटरी कलर का बिल्कुल 100% प्योर और बहुत ही बेनिफिशियल आइस क्यूब रेडी हो गया है। तो अभी मैं इसमें से दो यूज करूंगी ताकि बता सकूं आपको इसका बेनिफिट, दो एनफ है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि राइस वाटर आइस क्यूब कैसे अप्लाई किया जा सकता है अपने स्किन पे और इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा आइस ट्रीटमेंट करते हैं, जो है राइस वाटर आइस क्यूब्स। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो चलिए फटाफट इसे अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। आइस क्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है फ्रेंड्स, स्किन वाइटनिंग, और ये आपके स्किन को वाइटन और ब्राइटन करता है। कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स है ये, जो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये आपके स्किन को वाइटिश ग्लो देता है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप नेक्स्ट डे किसी फंक्शन में जाने वाले हैं तो आप इसको प्रीवियस नाइट, मतलब उस फंक्शन के एक रात पहले ये आइस क्यूब अपने स्किन पे अच्छे से जो है मसाज करें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका स्किन बिल्कुल वाइट एंड ग्लोई हो जाता है। तो ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ यू पीपल। तो आइस वाटर आइस क्यूब का मेन जो पर्पस होता है वो आपके स्किन को ब्राइटन एंड व्हाइटन करने का होता है, साथ साथ में आपके स्किन एजिंग को काफी अच्छे से डिले करता है। तो इस तरह से आपको अपने चेहरे से ये पोछ लेना। तो ये था मेरा आज का दो ब्यूटी ट्रिक, दो तरह के आइस क्यूब ट्रीटमेंट जो मैंने आपके संग शेयर किए। आई होप ये ब्यूटी ट्रिक्स जो हैं, ये जो आइस क्यूब ट्रीटमेंट है, ये आप सबको उतना ही बेनिफिट करे जैसा वो मुझे करता है और बिल्कुल करेगा। आई एम वेरी वेरी श्योर, मेरा स्किन फ्रेंड्स बहुत ही एक्ने प्रो और
कंबाइंड स्किन है, तो आप समझ सकते हैं इस तरह के स्किन पे काफी प्रॉब्लम होते हैं। तो जब ये मुझे सूट कर सकता है तो आप सबको 100% सूट करेगा। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग शेयर करें एंड जो कमेंट एंड टेल मी कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, गुड डे, बाय बाय।